वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 27 जो कि है 4 सितंबर की वर्कशीट, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं पहले मैथ्स, फिर देखेंगे साइंस और उसके बाद देखेंगे हम अपनी हिंदी की वर्कशीट। मैथ्स का जो टॉपिक है उसके अंदर हम नया टॉपिक सीख रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। इसको हम डिटेल्स में अभी बोर्ड पे देखेंगे क्या है। आइए चला वर्कशीट एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है और नीचे कुछ दे रखे हैं क्वेश्चन। तो हम अभी देखेंगे बोर्ड पे इन 4 क्वेश्चंस को और उससे पहले समझेंगे पाइथागोरस थ्योरम। आइए चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपनी टॉपिक जो है वो पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है वीडियो लेट हो गई है, मैं जानता हूँ इस बात को। थोड़ी सी तबीयत थोड़ी आज ख़राब थी तो इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहते हैं। तो उम्मीद करते हैं हम नेक्स्ट टाइम से वीडियो टाइमली भेज सकेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा जो टॉपिक है वो पाइथागोरस थ्योरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली डील करता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। अब राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ ऐसा नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, उसमें इंपॉर्टेंट है 90 डिग्री। एक ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नॉर्मली हम इसी को या इसको ट्राइंगल मानते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ये भी है। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसके अंदर 90 डिग्री होता है। खास बात क्या है, सपोज करो हम इसको ए बी सी दे दें, इसको पी क्यू आर दे दें, एम एन ओ दे देते हैं, ठीक है। तो जो इसमें 90 डिग्री के जो ऑपोजिट होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस, ओके। जो और जो ये वाली जो साइड है नीचे है या ये है, इन दोनों में से किसी भी को भी हम क्या बोल सकते हैं, एक बेस बोल सकते हैं और इसको हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर। तो इसके अंदर आप बताइए कौन सी होगी, जो आर पी होगी वो होगी हाइपोटेनियस, ये वाली हो गई बेस और ये हो गई परपेंडिकुलर। तो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में एम ओ एन के अंदर हाइपोटेन्यूस कौन सी होगी, बेस कौन सी होगी और कौन सा हो गया परपेंडिकुलर कौन सी होगी। तो ये आपको जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। इसकी मदद से हमारे पास एक थ्योरम आती है, पाइथागोरस थ्योरम, वो होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मतलब इन दोनों का अगर मैं स्क्वायर करूंगा वो इसके बराबर होता है। तो इसी थ्योरम को आज हम यूज़ करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर। आइए चलते हैं इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आप वर्कशीट में से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है एन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। तो हमें इस पहली लाइन से ही पता चल जाता है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ। तो ये हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, इजी फिगर है। तो राइट एंगल एट ए, तो मतलब ये वाला जो वर्टेक्स है वो तो ए हो गया, पक्की बात है। और उन्होंने बोला था ट्राइंगल ए बी सी है, तो ए बी सी आप ऐसे ले लें, ठीक है। पहले तो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ए कहाँ आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत जगह पर डाल दिया तो आंसर में गलती होने के पूरे चांसेस हैं, गलत ही हो जाएगा। आगे बोला इफ़ ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं। एंड ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, तो ये है 24 सेंटीमीटर। और मांगा है फाइंड दिस थिंग, फाइंड क्या मांगा है, सी बी। तो हमें यहाँ पर गिवन में लिखना होता है, तो गिवन में लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, पहली चीज़ गिवन है। तो दूसरी चीज़ क्या गिवन है, ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर और दूसरी चीज गिवन है ए बी इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है वो लिखना होता है, फाइंड करना है सी बी, तो हम ये लिख देते हैं। ये तो हमारा हो गया वर्किंग। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पूरा लिख देना पाइथागोरस थ्योरम और उसके बाद हमें ये वाला जो है फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कुछ बच्चे बोलेंगे बेस स्क्वायर पहले लिख दें, वो भी ठीक है, बेस स्क्वायर पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें से हाइपोटेन्यूस कौन सी है वो हम लिख देंगे, हाइपोटेन्यूस क्या है सी बी, तो सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू
परपेंडिकुलर क्या है, इन दोनों में से कुछ भी ले लो, तो जो खड़ा हुआ है उसको हम ले लेते हैं टेन स्क्वायर। तो हम पहले नाम लिख देते हैं, आपको नाम लिखना सिखाते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सी बी स्क्वायर तो हमें चाहिए, ए सी कितना 10 और ए बी कितना 24, तो सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और 24 कितना होता है मैंने पहले ही करके रखा हुआ है, 24 × 24 576 होता है, तो सी बी स्क्वायर हो गया 676। अब ये जो स्क्वायर है, देखो स्क्वायर होता है ना, जैसे प्लस उधर जाके माइनस होता है, मल्टीप्लाई उधर जाके प्लस होता है, स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट सिखाने का अभी थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम है, वीडियो लंबी हो जाएगी। हम क्या करते हैं, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन करके 676 की मदद से हम सॉल्व करते हैं। मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो अलग से कार्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ, तो सी बी की वैल्यू हो जाएगी 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ पर आप लिख देंगे, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। सेंटीमीटर लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में सेंटीमीटर था, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, नहीं है तो यूनिट, UNIT, अगर कुछ नहीं होता तो हम ये लगाते, यूनिट लगाते। तो पहला क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, उन्होंने एक फिगर दे रखी थी, फिगर दूसरी डायरेक्शन में थी, इस तरीके से था, ठीक है। तो फिगर में बोला था ये R है, ये Q है और ये P, और उन्होंने बोला ये X बोल दिया, ये 15 सेंटीमीटर बोल दिया, और ये हो गया 17 सेंटीमीटर। तो जो दे रखा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे फाइंड क्या करना था, फाइंड एक्स करना था, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ पे थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आप पाइथागोरस थ्योरम का वहाँ पे लगा देंगे, हाइपोटेन्यूस क्या है 17 का स्क्वायर, वो लिख दीजिएगा नाम पहले, आर पी स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब 17 स्क्वायर कितना होता है, हमने पहले से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखा हुआ है, पहले से यहाँ पे लिखेंगे 289। आपको अगर कैलकुलेशन फास्ट करने का ट्रिक सीखना हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उसके रिगार्डिंग एक वीडियो आपको बना के दिखाएंगे, किस तरीके से चुटकियों बजा के आप इसको कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। और 15 का स्क्वायर हो गया 225 एक्स स्क्वायर, 225 इधर आएगा तो कितना बच जाएगा आपका 289 माइनस 225 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कितना बचा यहाँ पर आया 4 6, तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, सो एक्स की वैल्यू आ गई 8, तो 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब चलते हैं आंसर नंबर 3 की तरफ। आंसर नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर, अब उन्होंने बोला ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल क्यू इज 90 डिग्री, तो क्यू जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, पी यहाँ पे डाल दो, पी क्यू आर हो गया, कहीं पे भी डाल सकते थे, क्यू बहुत इंपॉर्टेंट था वो हमने डाल दिया, पी क्यू आर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर, पहले उन्होंने दे रखा है पी क्यू दे रखा है 35, पी क्यू दे दिया 35 और पी आर दे दिया 37, पी आर दे दिया 37, और ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप ये सब कुछ लिख दीजिएगा, फाइंड क्या करना है क्यू आर करना है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम कर देंगे, तो क्या लगाएंगे हम इसके अंदर, हाइपोटेन्यूस कौन सी है पी आर, तो 37 स्क्वायर इक्वल्स टू इन दोनों में से कोई भी ले लो 35 स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स नहीं दे रखा था, आप चाहे तो आप एक्स ले सकते हो, अभी मैं उसका नाम ले रहा हूँ क्यू आर स्क्वायर। 37 स्क्वायर कितना होता है हमारा, 37 स्क्वायर हो गया 1369, और ये कितना होता है, ये उधर ले जाऊँगा तो पहले ही माइनस करके दिखा रहा हूँ मैं, 1225 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144, ठीक है। स्क्वायर उधर आएगा रूट और आ गया क्यू आर, तो ये होता है 12, क्यू आर इसका आंसर, ये आपका हो गया आंसर नंबर, या आंसर नंबर हम कर रहे थे 3। अब हम चलेंगे आंसर नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। अनुलर ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज 90 डिग्री, तो इस बार यहाँ पर जो है वो बी है, ठीक है। ए यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी, तो ए बी सी हो गया, राइट एंगल एट बी बोला उन्होंने। आगे उन्होंने बोल दिया ए बी की वैल्यू है 8, ये 8 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, और फाइंड करना है ए सी, ये फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम ए सी लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 36 कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। ए सी स्क्वायर, अब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा अंडर रूट, तो आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही इजी टॉपिक था और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो आई रिक्वेस्ट जो इसके एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं तो प्लीज़ उसको आप रिवाइज करें, वहाँ पे खुद क्वेश्चन करके देखें, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और जो हम अलग से वीडियोस बना रहे हैं प्लीज़ उनको देखें, बिकॉज वो आप ही के लिए बनाई जा रही हैं। और अगर कौन से टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम बनाएँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, हमें बताएँ, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। आइए अब चलते हैं वर्कशीट हमारी जो है साइंस की, वो देख लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर वो है सेल डिवीजन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर सेल डिवीजन, सेल किस तरीके से डिवाइड होता है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है और क्यों डिवाइड होता है, वो हम सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डज ऑर्गेनिज्म ग्रो, तो इंसान या आप कह सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी जानवर हो, वो किस तरीके से ग्रो करता है, ग्रो इन साइज और अवर वुंड गेट्स रिपेयर, जब हमें चोट लग जाती है तो हमें चोट कैसे ठीक होती है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली मोटा मोटा अगर हम इसके अंदर बात करें तो जो सेल डिवीजन है वो ग्रोथ के लिए हेल्प करती है और वो रिपेयर में भी हेल्प करती है। अगर कहीं पर चोट हो जाती है तो वहां पर जाके सेल अपने आप को डिवाइड करते हैं और मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होकर उसको ग्रो कर देते हैं, फिर दोबारा बना देते हैं। तो ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल होता है, ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन। आपको पता ही होगा कि जब हमारा जो जन्म होता है वो एक सेलर यूनिसेलर से डिवाइड होकर होते होते बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर हमारी जो बॉडी है वो डिवाइड होती है सेल्स, और उसकी मदद से बनते हैं ऑर्गन्स, और ऑर्गन की मदद से बनती है हमारी पूरी पूरी बॉडी। द प्रोसेस बाय विच सेल डिवीजन डिवाइड इंटू टू और मोर इज कॉल्ड सेल डिवीजन। In this process, the cell which undergoes division is called mother cell. जैसा कि आप ये तो बहुत आसानी से आप याद कर लेंगे, मदर जो है बच्चे को पैदा करती है, तो जो सेल जो मेजर सेल है वो जब डिवाइड होता है, जो जो मेजर सेल था उसको हम बोलते हैं मदर सेल। एज अ रिजल्ट न्यू सेल प्रोड्यूस आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। अब डॉटर सेल बोला जाता है, पता नहीं सन सेल क्यों नहीं बोला जाता, बट कोई बात नहीं, हम इसको डॉटर सेल की तरह हम इसको याद रख लेते हैं। जो मदर सेल है वहां से जो निकल रहे हैं दो सेल जो निकलेंगे उन्हें हम डॉटर सेल बोलते हैं। देयरफॉर ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डेवलप एंड रिपेयर डेड सेल बाय सेल डिवीजन। तो जो भी है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेल डिवाइड की मदद से ग्रो करने में हेल्प करते हैं, डेवलप करने में हेल्प करते हैं और रिपेयर डेड सेल, जो डेड सेल हो जाते हैं जो एक टाइम के बाद उनकी डेथ हो जाती है तो उनको रिप्लेस करने में मदद करते हैं, रिप्लेस डेड सेल। Even the wound or tissues get repaired. Gametes are produced by this process. In this thing, two kind of divisions are there. तो दो तरह का जो है सेल डिवाइड होता है, पहला होता है माइटोसिस, ये लिखा है, और मियोसिस। पहले मैं इसको जो है फिगर के थ्रू समझा देते हैं, नीचे उन्होंने बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल में फिगर दे रखी है, वहीं से एक बार डायरेक्टली समझ लेते हैं। माइटोसिस होता है जब क्रोमोसोम होते हैं एक सेल के अंदर और एट द एंड जो दो डॉटर सेल निकलते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम सेम होते हैं, यही एक मेजर चीज है इसके अंदर। तो इसके अंदर सपोज करो क्रोमोसोम्स हैं कितने, 46, और डॉटर सेल के अंदर भी कितने होंगे, देख रहे हैं यहाँ पर एक रेड है और एक वाइट है, ब्लू कह सकते हैं इसको, रेड और वाइट, रेड और वाइट, तो इसमें 46, इन दोनों में भी 46 होंगे। इस तरीके की जो डिवीजन होती है जिसके अंदर आइडेंटिकल ट्विंस निकलते हैं, मतलब जैसा मदर वैसे ही डॉटर, आइडेंटिकल निकलते हैं, उस तरीके को बोलते हैं माइटोसिस।
वेयर एज अगर आप यहाँ पर देखें, सपोज करो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स थे, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, चार डॉटर सेल हुई। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, हर एक के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 हर एक के अंदर, तो इसके अंदर हाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके के जो डिवीजन होती है इसे कहते हैं मियोसिस। तो ये इसके अंदर बीच में मेजर डिफरेंस है। आइए चलते हैं इसको एक बार रीड भी कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस अ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल सेल्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल एंड मदर सेल रिमेन अनचेंज। तो क्रोमोसोम जो होते हैं वो एकदम सेम रहते हैं। दिस टाइप ऑफ सेल डिविजन टेक प्लेस इन मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। तो माइटोसिस ही डिवीजन एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो ग्रो करती है और रिपेयर होती है। वेयर एज मियोसिस पढ़ लेते हैं, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गन और टिश्यू। ये बहुत ही कम जगहों पे ये प्रोसेस होता है, वेयर एज माइटोसिस क्या है वो मेजरली हर जगह पे होता है। एज अ रिजल्ट ओनली गैमेट्स आर फॉर्म्ड। तो इसकी इस डिवीजन में गैमेट्स फॉर्म होते हैं। इन दिस प्रोसेस अ स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगोज टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन। टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन का मतलब हो गया लगातार एक के बाद एक। अगर आपने इमेज में ध्यान से देखा होगा, फिर दोबारा देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, कि पहले एक बार डिवाइड हुआ दो में और फिर दोबारा डिवाइड होता है वो चार में। तो टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन एंड फाइनली प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल। तो इसके अंदर चार डॉटर सेल्स निकलते हैं, माइटोसिस में दो निकलते हैं। तो पेपर में इसका डिफरेंशियल बिटवीन भी आ जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा आप इसको लिख सकते हैं। द डॉटर सेल प्रोड्यूस इन द प्रोसेस हैव हाफ क्रोमोसोम, जो हमने अभी एग्जांपल भी देख लिया था, हाफ क्रोमोसोम्स होते हैं इन कंपैरिजन विद द मदर सेल। तो ये तो हो गई आपकी इन दोनों की डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशन। आइए चलते हैं अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म। तो उम्मीद करता हूँ सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी, तब भी इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसके अंदर आप यहाँ से लिखेंगे ऑल मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज डेवलप एंड रिपेयर डेड सेल बाय सेल डिवीजन प्रोसेस। तो ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। आइए चलते हैं आंसर नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। वेयर डज मेयोसिस सेल डिवाइड टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। कहाँ पे उसका डिवीजन होता है और वट इज फॉर्म फ्रॉम द डॉटर सेल इन इट। तो यहाँ पर मियोसिस वाले में अगर आप पढ़ लें तो यहाँ पर लिखा हुआ है मियोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज, एज अ रिजल्ट ओनली गेमेट्स आर फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस। तो ये यहाँ तक आपको इसको आंसर नंबर टू लिखना है। आंसर नंबर थ्री देख लेते हैं। आंसर नंबर थ्री बोल रहा है अ ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम इन इट। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन इट डॉटर सेल इफ इट अंडरगोज मियोसिस। मियोसिस में हमने बात करी थी वो हाफ हो जाता है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23। तो 23 क्रोमोसोम्स इसके अंदर होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के अंदर आप प्रोसेस इसके अंदर पूरा पूरा लिख सकते हैं। यहाँ पे The process by which a cell divide into two or more new cell is called cell division. तो ये आपका basic definition हो गया। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं cell divides into two types. तो two types कौन से हैं, बस उतना नाम बता दे क्योंकि इन्होंने ज्यादा नहीं पूछा है उसके अंदर। और यहाँ से ये जो जो highlighted है ये सारा का सारा आप इस आंसर के अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा था कि डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता है, सन सेल क्यों नहीं बोला जाता है। तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग हमारे दिमाग में ख्याल तो आया है कि क्यों बोला जा सकता है। आप भी सोच के हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसको डॉटर सेल ही क्यों बोला जाता है, सन सेल क्यों नहीं बोला जाता। अभी चलते हैं हम अपनी हिंदी की वर्कशीट की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए अब आपकी हिंदी की वर्कशीट देख लेते हैं। आज की हिंदी की वर्कशीट है आपकी व्याकरण पे वर्कशीट। तो ये 4 सितंबर की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 27। तो ये जो वर्कशीट है आपकी, ये संधि के ऊपर है। ऑलरेडी हम समास कर चुके हैं, प्रत्यय कर चुके हैं, उपसर्ग कर चुके हैं, तो उसी की कंटिन्यूएशन करते हुए हम आज संधि की बात करेंगे, जिसमें कि संधि करके हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं, नए शब्द बनाते हैं।
तो संधि या समधि का अर्थ है मेल, योग या समझौता, तो किसी का मिलना। तो जब मेल या समझौता दो विचारों और वस्तुओं में होता है तो एक नया रूप बनाता है। जैसे दो विभिन्न रंगों को मिलाने से तीसरा नया रंग बन जाता है, उसी तरह दो अक्षरों के भी आपस से मिलने से या नए वर्ण बनते हैं या शब्द बनते हैं। रंग और अक्षर दोनों को वर्ण भी कहते हैं। हम अपनी बातचीत के लिए शब्दों को जोड़कर अन्य शब्द बनाते हैं, जिसमें पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वर्ण का पहला वर्ण आपस में मिलकर नया रूप धारण कर लेते हैं। दो वर्णों, स्वर या व्यंजन के परस्पर मेल होने से मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। तो कोई भी जो दो वर्ण है वो जब आपस में मिल जाते हैं और एक नया शब्द मिलता है तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्णों का मिलन अत्यंत निकटता के कारण होता है तब उनमें कोई ना कोई परिवर्तन होता है और वही परिवर्तन संधि के नाम से जाना जाता है। तो कभी भी आप वैसे भी नोटिस करेंगे, कभी भी जब दो लोग पास आते हैं तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक दूसरे पे असर डालता है, तो इस वजह से दोनों में चेंजेस भी आते हैं। कोई कोई किसी की अच्छी संगति है तो आप अच्छे हो जाते हैं, कोई बुरी संगति में है तो आप थोड़ी बुरी बातें भी करने लग जाते हैं। तो इसी तरह से संधि में भी दो शब्दों के जब वर्ण आपस में मिलते हैं तो ऑफ कोर्स वो एक दूसरे पे भी इम्पैक्ट डालते हैं, और इसी इम्पैक्ट से जो नया वर्ड बनता है उसमें आप वो इम्पैक्ट देख पाते हैं और वो नए शब्द को फिर संधि कहा जाता है। जो इनका ये जो मेल है, योग है, उसे संधि कहा जाता है। तो यहाँ उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है सूर्य प्लस उदय से बनेगा सूर्योदय। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर अंत में सूर्य के अंत में वर्ण था अ, और यहाँ पर उदय के शुरू में था उ। अब जो ये अ प्लस उ जो हो गया है वो मिलकर ओ बन गया है, तो यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है वो मिलकर ओ बन गया है, तो इसीलिए फिर वो सूर्योदय करके वो बन गया है नया शब्द। तो जबकि समास में पदों का मेल होता है और संधि में जो है वर्णों का मेल होता है, तो अंत की जो साउंड्स है उनका मेल होता है। तो हम ऑलरेडी हम समास कर चुके हैं, उसमें हम दो शब्दों का या फ्रेजेस का, पदों का हम जो है उन्हें जोड़ते हैं, लेकिन संधि में जो एंड की साउंड्स होती हैं, जो वर्ण होते हैं, उनको हम जोड़ते हैं। तो समास करते समय कई बार संधि भी हो जाती है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर पद होते हैं या शब्द होते हैं तो जिनको जब हम समास बनाते हैं, उनसे सामासिक पद जब बनाते हैं तो कभी कभी उनमें भी संधि हो जाती है। पदों को मूल रूप में अलग कर देना संधि विच्छेद है। तो अब इनके जो मूल रूप हैं, जो रूट वर्ड्स हैं, उनको जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर है अत्यधिक को अगर हम अति प्लस अधिक करते हैं तो उसको फिर समास विग्रह कहा जाता है। वहीं संधि में अगर मैं बोलूँ सूर्योदय शब्द है और उसमें अगर संधि विच्छेद मुझे करना है तो मैं लिखूंगी सूर्य प्लस उदय। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आगे आपको बताया गया है कि संधि के कितने प्रकार हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद हैं। तो जो वर्णों का जो मेल है उसके बेसिस पर जो आपके तीन भेद बनेंगे वो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि मतलब कि इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो वाल की जो संधि होती है वो है, व्यंजन में कॉन्सोनेंट्स जो एंड साउंड्स, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, व्यंजन साउंड्स हैं, उनकी संधि होती है, और तीसरा है विसर्ग संधि। तो अब आगे अगर बताएं तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। तो हिंदी में स्वर 11 होते हैं। इनके आपस में जुड़ने की कितनी स्थितियां हो सकती हैं उसी के आधार पर ये भेद होते हैं। इन भेदों के नाम संधि के बाद प्राप्त परिवर्तित स्वरों के आधार पर रखे गए हैं। तो जब संधि हो जाती है और उसके बाद जो नए जो स्वर बनते हैं तो उसी के बेसिस पर इन भेदों के नाम रखे जाते हैं। तो हिंदी में जो है स्वर 11 होते हैं, जैसे अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः, ये 11 होते हैं आपके स्वर। तो इसी को जो है जोड़ने पर जो है अलग अलग जो नए शब्द बनेंगे उसी के बेसिस पे इनके जो है नए नाम भी, भेदों के नाम रखे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट है मैं वो जल्दी से देख लेती हूँ। तो स्वर संधि क्या है? स्वर के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार या रूप परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इधर क्या हो रहा है, जब अंत में एक स्वर है, एक कोई शब्द है जैसे विद्या, उसके अंत में एक स्वर है आ,
और एक और शब्द है आल्य, इसके शुरू में एक स्वर है आ, तो ये जब दोनों जुड़ते हैं तो इसीलिए ये स्वर संधि कहलाता है। तो और अगर आगे देखे तो अब स्वर संधि जो है ये आप समझ गए हैं, यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, आगे देख लेते हैं। अब पहला जो भेद है स्वर संधि का वो है दीर्घ संधि। इसमें दो स्वर्ण सजातीय स्वर चाहे वह लघु हो या दीर्घ, वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, तो अगर ये वाले जो वर्ण है अ, ई, उ, ये जो वर्ण होते हैं, ये जो स्वर होते हैं, इन्हें लघु बोला जाता है या छोटा बोला जाता है, छोटे स्वर। वहीं आ, ई, उ, ये जो बड़े जो साउंड्स हैं इनको दीर्घ स्वर बोला जाता है या बड़ा स्वर बोला जाता है। तो अंत में अगर चाहे वो छोटे और छोटे स्वर का मेल हो, या छोटे बड़े, या बड़े छोटे का मेल हो, या बड़े बड़े का मेल हो, इनको अगर ये जब मिलते हैं और जो नया आपका शब्द बन रहा है उसमें जो नया स्वर आ रहा है वो अगर दीर्घ हो, वो अगर बड़ा हो, तो इसे दीर्घ संधि कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे अ प्लस आ मिलकर बन जाएगा आ। तो अगर कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखें आप, तो एक शब्द है भोजन प्लस आल्य। तो अगर आप इसको, ये जो शब्द है भोजन, इसको अगर आप बिल्कुल इनकी जो साउंड्स है उसको अलग अलग करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो न साउंड है, तो वो न जो है सिर्फ न नहीं होता है, वो न न प्लस अ होता है। तो एंड की जो साउंड है वो अ है और आल्य का आ है, तो अ प्लस आ मिलकर बन गया एक और आ। तो नया जो यहाँ पर ज्वाइंट होगा वो भी फिर भोजनाल्य। तो भोजन आप लिखेंगे, उसके बाद ये आ का साउंड लगाएंगे, और क्योंकि आ ऑलरेडी आ गया है तो अब आप फिर लय लिखेंगे। तो इस तरह से जो है ये संधि इनकी, इन शब्दों की हो जाती है। तो इसी तरह से अगर छोटी ई है, यहाँ पर गिरी प्लस इंद्र है, तो ये री में छोटी ई है और इंद्र में भी छोटी ई है, ये दोनों ई प्लस ई मिलकर गिरीन्द्र, अब ये बड़ी वाली ई बन जाती है। तो यहां से आप लेंगे गिर और इधर से आप लेंगे इंद्र, और इन दोनों के बीच में आप बड़ी ई लगा देंगे और बन जाएगा गिरीन्द्र। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आगे मैं चलती हूँ अब गुण संधि पर। तो सेकंड आपका है स्वर संधि का भेद, गुण संधि। तो गुण संधि है अ आ के साथ इ ई का मेल होने पर, ए उ ऊ का मेल होने पर ओ, तथा री का मेल होने पर अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहा जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिए कि दीर्घ संधि में क्या है, अ आ यही आपस में मिलेंगे, या ई ई ये आपस में मिलेंगे, या ऊ ऊ ये आपस में मिलेंगे, मतलब छोटे बड़े का जो है वो मैच है। लेकिन वहीं एक तरफ अगर अ है और एक तरफ अगर ई है, तो अ प्लस ई जो है, छोटे छोटे जो है ये, वो मिलके छोटा ए बन जाएगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देव में एंड में साउंड है अ और इंद्र में शुरू में साउंड है ई। अब ये दोनों जब मिलेंगे तो ना तो देव का अ रहेगा ना ही इंद्र का ई रहेगा, लेकिन वो दोनों मिलकर नया साउंड बनाएंगे ए, और तो बन जाएगा देवेंद्र। तो देव ए इंद्र, तो देख सकते हैं आप ना ना तो यहाँ अ है ना ई है, बल्कि ए एक साउंड यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से ये संधि की जाती है, इसे गुण संधि कहते हैं। इसी तरह से देव प्लस ईश बन जाएगा देवेश। वहीं पर एक और एग्जाम्पल आपको दिया गया है, तो अगर अ और री है तो बन जाएगा अर, तो जैसे देव प्लस ऋषि है तो बन जाएगा देवर्षि। वहीं गंगा प्लस उर्मी, आ प्लस ऊ है तो वो ओ बन जाएगा गंगोर्मी। तो ये आपको जो रूल्स हैं वो थोड़े से याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन अगर एक बार ये याद हो जाते हैं तो ये बहुत ही इजीली हो जाता है। ये थर्ड पार्ट है आपका वृद्धि संधि, अ आ का मेल ए ए के साथ होने से ए बन जाता है, तथा ओ औ के साथ होने से औ में परिवर्तन हो जाता है। संधि के बहुत से शब्द सामान्य जीवन में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, तो ये वाले जो शब्द है ये बहुत यूजुअली यूज नहीं होते हैं। तो जैसे यहाँ एक प्लस एक है, तो ये एक में एंड साउंड है अ और एक में शुरू की साउंड है ए, तो ये अ प्लस ए मिलके बन जाएगा आई, तो ये बन जाएगा एक एक। ऐसे ही महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। लेकिन ये जो शब्द है सदा प्लस एव सदैव, ये यूज होता है। तो इसी तरह से आ प्लस ओ बन जाएगा औ,
तो यहाँ पर परम प्लस औषध बन जाएगा परमौषध। तो इस तरह से जो है आप यहाँ पर इसको वृद्धि संधि कहा जाता है क्योंकि इनकी वृद्धि हो रही है, ये बढ़ रहे हैं एक तरीके से। आगे चलते हैं आपके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट है आपका यण संधि। तो यण संधि होता है ई उ या री का मेल यदि असमान स्वर से होता है तो ई का क्रमशः य, उ का व और री का र बन जाता है। तो अगर असमान मतलब कि सिमिलर उनसे अगर नहीं होता है इनका मेल, तो जैसे यहाँ ई है प्लस अ है तो ये य बन जाता है। तो यदि में एंड साउंड है ई और फिर अपी में शुरू की साउंड है अ तो ये बन गया यद्यपि। वहीं अति में एंड साउंड है ई और आवश्यक में शुरू की साउंड है आ, तो ये ई और आ मिलकर बन गया य, तो बन गया अत्यावश्यक। तो ये थोड़ा सा आपको साउंड पे ध्यान देना है और थोड़े से रूल्स याद करने हैं। एक बार अगर ये याद हो जाते हैं तो ये संधि जो है बहुत ही इजी हो जाता है। और कुछ शब्द जो है इतने कॉमन होते हैं कि आप अगर यूज में अगर उन्हें अच्छे से याद कर लेंगे तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। आखिरी जो है यहाँ पर वो है अयादि संधि। तो इसमें ए तथा ओ औ का मेल किसी अन्य स्वर के साथ होने से ए अय में ए, आय में तथा ओ अव में औ आव में बदल जाता है। तो ए और अ जो है वो ए प्लस अ अगर हो जाए तो वो य बन जाएगा। वहीं ओ और औ जो है तो वो जो है एक नए उसमें बन जाएगा, ओ जो है अव में बदल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपको वो भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे भव प्लस उक तो भावुक, तो आव बन गया वो। औ है भव में जो आखिरी का स्वर साउंड है वो है औ और उक में शुरू का साउंड है उ, तो औ प्लस उ चेंज हो जाता है और वो बन जाता है आव, तो वो हो गया भावुक। तो ये इस तरह से आप यहाँ पर ये वाली संधि होगी। अब जल्दी से चलते हैं आपके प्रश्न क्या हैं। तो आपके यहाँ पर प्रश्न है निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों की संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं उनकी आपको यहाँ संधि करनी है और साथ ही साथ उन संधियों का नाम भी लिखना है। दूसरा प्रश्न है आपका निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑलरेडी यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आपको, इनका आपको संधि विच्छेद करना है, मतलब इनके जो मूल शब्द हैं जो रूट वर्ड्स हैं उनमें इसको अलग अलग करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ आपको उसका ये आंसर्स भी दिखा देती हूँ। पहले कोशिश कीजिए कि आप खुद करें इनको और उसके बाद फिर इसे क्रॉस चेक कीजिए। वर्कशीट में ये ऑलरेडी वर्ड्स हैं तो जरा कोशिश करके देखिए, ये इजी ही है। आप अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से करेंगे तो ये आप ये कर पाएंगे। रूल्स देखते जाइए और फिर इसे करते जाइए। तो मैं जल्दी से दिखा देती हूँ यहाँ पर उत्तर। तो पहला है महा प्लस आशय महाशय, फिर गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, देव प्लस ऋषि देवर्षि, पृथ्वी प्लस ईश पृथ्वीश, गिरी प्लस इंद्र गिरीन्द्र, फिर यद्यपि बन जाएगा यदि प्लस अपि। तो इसी तरह से जो है और भी यहाँ पर आपको करके दिखा दिए गए हैं। कोई भी अगर डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि अगर कोई डाउट है उन्हें तो वो हमसे पूछ सकें। आज के लिए इतना ही है वर्कशीट में। थैंक यू।